अगर आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब एंड साथ ही फ्लावर वैली की यात्रा करना चाह रहे हो या करने वाले हो एज अ फ्यूचर एंड साथ ही कोई भी हिल स्टेशन की जर्नी करना चाह रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लवली ट्रेवलर। एंड आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ केदारनाथ बद्रीनाथ की जर्नी वाली इम्पोर्टेंट थिंग्स, इम्पोर्टेंट चीजें शेयर करने वाली जो अपने साथ आप कैरी जरूर करें। अगर वो चीजें आपके पास नहीं होगी तो मे बी आपको रास्ते में प्रॉब्लम आएगी एंड आप चाहते हो कि आपकी जो यात्रा हो वो बिल्कुल ही सेफ हो, उसमें कोई कठिनाइयां ना आए। सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट थिंग, आपके पास एक बैकपैक होना चाहिए एंड मेक श्योर कि वो वाटर प्रूफ हो, एक अच्छी क्वालिटी की हो एंड साथ ही उसका जो साइज है आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। आप कितना वजन कैरी करके अपने साथ चल सकते हो, आप कितना वेट, कितना वजन उठा सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी एक अच्छे क्वालिटी के अच्छे ब्रांड की या इस टाइप का बैकपैक आप जरूर रखें जो वाटरप्रूफ है, क्योंकि हिल स्टेशन है एंड खासकर यह जो जर्नी है केदारनाथ बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब तो एंड कोई भी हिल स्टेशन, जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे ना तो वहां पे वेदर अचानक से चेंज होती है, बारिश कब आ जाएगी कोई पता नहीं, तो इसलिए वाटरप्रूफ चीजों का होना जरूरी है आपके साथ। नेक्स्ट, आपके पास एक छोटा सा डे बैग होना चाहिए, बिकॉज जो बैकपैक होगा वो तो आप अपने घर से जहां जा रहे हो होटल तक लेकर जाओगे, बट जब भी आप होटल से निकलोगे बाहर उन जगहों को विजिट करने के लिए, इसलिए आपके पास एक छोटा सा डे बैग होना चाहिए। वो अगर वाटरप्रूफ नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि नेक्स्ट जो आइटम है जिसे आपको कैरी करना है अपने साथ वो है रेनकोट। जी हाँ, रेनकोट आपके पास मस्त होना चाहिए, चाहे आप गर्मी में जा रहे हो या फिर ठंडी में जा रहे हो या फिर बारिश के सीजन में जा रहे हो, तब तो होना ही चाहिए, क्योंकि वहां वेदर चेंज होती है, अचानक से धूप रहेगी एंड अचानक से बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब भी आप रेनकोट परचेज करो ना तो मेक श्योर कि वो लॉन्ग हो, जिससे आपका फुल बॉडी कवर हो जाए। जब भी लेना आप एक्सेल साइज, ओवर साइज लेना, जिससे आपका जो डे बैग है वो आपके रेनकोट के अंदर में आ जाए, इससे आपका बैग भी गीला नहीं होगा। एंड नेक्स्ट जो आइटम है वो है अम्ब्रेला, यानी कि छाता। छाता भी आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं बट यह बिल्कुल ही ऑप्शनल है। मैं कैरी नहीं कर पाती हूँ बिकॉज मेरे एक हाथ में कैमरा होता है, ट्राइपॉड होता है एंड दूसरे हाथ में स्टिक होता है, बट अगर आप लेना चाहते हो जो छोटे साइज का अम्ब्रेला आता है फोल्डेबल, वो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है स्टिक, यानी कि छड़ी। तो हिल स्टेशन में आप जाओ तो आपके पास छड़ी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है जब आप पहाड़ों में चलते हो। तो वैसा फोल्डेबल स्टिक भी आता है जो आप ऑनलाइन या मार्केट से परचेज करके अपने घर से कैरी कर सकते हो, या फिर आप कहीं भी जा रहे हो तो वहां पे भी मोस्ट ऑफ आपको इजिली छड़ी मिल जाती है, तो आप वहां से भी परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट है टॉर्च, जो आप अपने घर से ही कैरी करें, क्योंकि जब भी आप केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, फ्लावर वैली की यात्रा करोगे, क्योंकि इन सब जगहों की जो ट्रैक है ना, आपको रास्ते में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि लाइट लगा हुआ है, जो है सूरज की रोशनी में आपको चलना होता है, सूरज गई लाइट भी गई, सो आपके पास टॉर्च होना बहुत ही जरूरी है। आप मोबाइल के भरोसे प्लीज कभी मत रहना, वो कब डेड हो जाएगी, कब उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी, कब बंद पड़ जाएगी। साथ ही आपके पास विंटर यानी कि ठंड के कपड़े होना जरूरी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से सीजन में जा रहे हो, क्योंकि मई में केदारनाथ ओपन होती है, जून में फ्लावर वैली, हेमकुंड साहिब यात्रा ओपन होती है, तो आप गर्मी में भी जा रहे हो तो आपके पास ठंड के कपड़े होने चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक जैकेट होना चाहिए, साथ ही आपके पास एक ट्राउजर होना चाहिए बॉम वाली जो गर्म हो, साथ ही आपके पास इनसाइड बॉम इनर हो। नेक्स्ट, आपके पास वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज होना चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी की, एक अच्छे ब्रांड की, क्योंकि शूज जितना कंफर्टेबल रहेगा आपको ट्रैक करना उतना इजी होगा। साथ ही आपके पास एक नॉर्मल वाटरप्रूफ स्लीपर होना चाहिए, क्योंकि जब आप होटल में स्टे करोगे, आसपास की जगहों को थोड़ा विजिट करोगे, तो आपको स्लीपर की नीड होगी। साथ ही आपके पास एक मेडिसिन किट, मेडिसिन बैग होना चाहिए, क्योंकि जब आप ट्रैक करते हो इन सब जगहों पे 15-16 किलोमीटर की, आपको बहुत ज्यादा थकान होती है, इसके लिए आपके पास होना चाहिए मूव या कोई भी पेन रिलीफ स्प्रे, जिससे आप अपने पैरों पे अगर पेन हो रहा है, स्वेलन हो रही है, तो आप स्प्रे कर सकते हो, बहुत ही रिलैक्स देगा। साथ ही आप एक्स्ट्रा का बैंडेज रख सकते हो, अगर आपके कहीं पैरों में चोट लग गई या कुछ भी कट आ गया तो कैरी कर सकते हो। एंड मैं इस तरह का
जो ठंडे वाले जो तेल होते हैं ऑयल होते हैं उसका पाउच भी कैरी करती हूँ। 1-2 रुपए में यह पाउच मिल जाता है एंड बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील करवाता है। आपका सर दर्द हो रहा है या कुछ भी बाहर में आपको फ्रेश फील नहीं हो रहा है तो यह नवरत्न का पाउच है। आपके पास कुछ टैबलेट भी होना चाहिए जैसे पेन किलर हो, अगर आपके पास पैरासीटामोल, एलर्जी टैबलेट, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो एक जगह से दूसरी जगह पर तो आपको एलर्जी भी हो जाती है। मैं जनरली सिट्राजिन कैरी करती हूँ अपने साथ। साथ ही आपके पास एक बाल्म जरूर होना चाहिए, बिल्कुल ही आप छोटे साइज में इस तरह से आप कैरी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका सर दर्द कर रहा है या आप अप्लाई कर सकते हो तो मैं कैरी करती हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आप किसी भी हिल स्टेशन में जाते हो तो अगर आपको ट्रेवल के दौरान मोशन सिकनेस यानी कि वोमिटिंग की प्रॉब्लम है तो आप अपने साथ एक अच्छी क्वालिटी की वोमिटिंग की टैबलेट जरूर कैरी करें। मैं जो टैबलेट कैरी करती हूँ वो है एवोमाइन टैबलेट। यह इजली 5 से 6 घंटे आपकी जो वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है उसे रोक देता है। बारिश के बाद आपको वहां पर रास्ते में धूप भी अच्छी खासी देखने को मिलती है तो उसके लिए आप अपने साथ हैट कैरी कर सकते हैं, स्टॉल कैरी कर सकते हैं, जिससे आपकी जो स्किन है, आपकी जो फेस है वो कवर रहे, आपको टैनिंग की प्रॉब्लम ना हो। एंड साथ ही आप सन ग्लासेस जरूर कैरी करें क्योंकि धूप में कंटिन्यू ट्रैक करना एंड आंखों को आपको बहुत ही ज्यादा रिलैक्स देती है, तो अपने साथ सन ग्लासेस कैरी करें। एंड इसके अलावा आप अपने साथ एक अच्छे क्वालिटी की अच्छे ब्रांड की सनस्क्रीन कैरी करना बिल्कुल भी ना भूलें। सनस्क्रीन आप भर भर के अप्लाई करें अपने ट्रैकिंग के दौरान। साथ ही एक कोल्ड क्रीम या मॉइस्चराइजर आप अपने साथ जरूर रखें बिकॉज हिल स्टेशन की जो मौसम होती है, जो वेदर होती है वो ड्राइनेस होती है उसमें, तो आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ज्यादा ड्राई फील करती है, तो उससे बचने के लिए आपके पास एक मॉइस्चराइजर या कोल्ड क्रीम होना जरूरी है। साथ ही एक लिप बाम भी जरूर कैरी करें एंड साथ ही एक बिल्कुल ही हाइड्रेटिंग बॉडी लोशन भी अपने साथ जरूर लेकर जाएं। आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई होती है गाइस हिल स्टेशन में। नेक्स्ट आप अपने साथ एक वाटर बॉटल कैरी जरूर करें क्योंकि ट्रैक के दौरान आपको बहुत ही ज्यादा प्यास लगती है एंड ऐसा नहीं होता है हिल स्टेशन में कि आपको हर जगह पर आपको सॉप इजली मिल जाता है गाइस। एंड अगर आपके पास बोतल रहेगा तो रास्ते में आपको वाटरफॉल, झरने, झील आपको मिलते रहते हैं, नेचुरल रिसोर्स मिल जाते हैं आपको वाटर के, वहां से पानी भर सकते हो एंड अपने ट्रैक एंजॉय कर सकते हो। साथ ही ट्रैकिंग के दौरान आप अपने एनर्जी को बरकरार रखने के लिए, इसके लिए आपके पास ग्लूकोंडी, ग्लूकोज, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स, स्वीट्स होना ही होना चाहिए। ये सब जो चीजें होती है वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देती है, ये सब चीजें आप अपने साथ कैरी करें। एंड ग्लूकोंडी तो जरूर कैरी करें, उसे घर से ले जाने की नीड नहीं है। आप जिस भी जगह पे स्टे कर रहे हो, आपका जो लोकल जहां से आप ट्रैकिंग स्टार्ट करते हो वहां पे इजिली आप मेडिसिन शॉप में या फिर कोई भी शॉप में आपको इजिली मिल जाता है, आप वहां से छोटा वाला पैकेट लें। एंड आप कोशिश करें ना पानी की जगह अपने बॉटल में जो एनर्जी ड्रिंक है ना आप उसे डालकर ही पीते रहें, इससे आपकी एनर्जी भरपूर रहेगी एंड आप इजिली ट्रैक कर पाओगे। हिल स्टेशन में अगर आप सफर कर रहे हो, खासकर केदारनाथ या फिर हेमकुंड साहिब यात्रा कर रहे हो, तो क्योंकि जैसे जैसे हिल स्टेशन में हाइट बढ़ती है आपको ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम होती है, तो बहुत सारे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है यात्रा के दौरान, तो आप अपने साथ मेक श्योर जो कपूर होता है ना, जिसे हम जब पूजा के लिए यूज करते हैं, जिसे हम जलाते हैं पूजा के दौरान, वो अपने साथ जरूर से जरूर कैरी करें। वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। जब भी आपको ब्रीद करने में, सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसे जब आप स्मेल करोगे बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील कराएगा, तो इससे आपको आपके जो यात्रा होगा बहुत ही कम्फर्टेबली अपने जर्नी को कंप्लीट कर पाओगे। एंड लास्टली मैंने जो प्लेसेस बताए इन सब जगहों पर आपको कौन से सिम कैरी करनी चाहिए, तो वहां पर BSNL, एयरटेल, जियो की नेटवर्क काम करती है, नेटवर्क आते जाते रहती है, अगर इन सब में से कोई सिम आपके पास होगा तो आप इजिली आप अपने फैमिली फ्रेंड से कनेक्टेड रहोगे। सो गाइज, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा रिसर्च करा है, साथ ही कुछ जान पहचान वाले लोग जो यह जर्नी करके आए हैं उनसे पूछा है मैंने कि क्या क्या चीजों की नीड होती है, साथ ही कुछ अपना एज ए ट्रेवलर जो ट्रेवल करती हूँ उसका एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए यह वीडियो बनाया है। आई एम श्योर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो। कि ऐसी कोई और चीजें हैं जो रह गई है उसकी भी नीड होती है इन सब जगहों पर यात्रा करने के लिए, तो प्लीज आप कमेंट में जरूर बताना। एंड आई एम श्योर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, मे बी नई जगह पे। सो बाय बाय, टेक केयर, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए एंड खुश रहिए।